दोस्तों ध्यान दें, अभी अभी सीतामढ़ी जिले से नीलामी का नोटिस जारी हुआ है, तो अगर आप भी सीतामढ़ी जिले से हैं तो बहुत ही सस्ते दामों में सीतामढ़ी जिले में फिर से नीलामी होने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले में जो कुल मिलाकर नीलामी होने जा रही है वो 275 गाड़ियों की नीलामी होने जा रही है। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, किसी भी प्रकार की, तो आप नीलामी में भाग लेकर के बहुत ही सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द सीतामढ़ी जिले में अपना आवेदन जमा करें। और जो भी भाई सीतामढ़ी के हैं, उन बहुत भाई बहुत दिनों से कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर सीतामढ़ी जिले में नीलामी कब होगी, तो उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी जिले से नीलामी का नोटिस जारी कर दिया गया है। जल्द से जल्द अपना आवेदन 10-3-2022 तक अपना आवेदन जमा कर ले, क्योंकि दोस्तों 11 बजे पूर्वाह्न से नीलामी किया जाएगा सीतामढ़ी जिले में। तो आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले में कौन सी जगह पे नीलामी होगी, तो परिचर्चा भवन डुमरा में नीलामी किया जाएगा। तो जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा कर ले। और आपको नीचे दिखाते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी गाड़ियां ज़्यादातर नीलामी होने जा रही है। तो यहां पे देख सकते हैं दोस्तों मोटरसाइकिल, जितने भी देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मोटरसाइकिल इस बार सबसे ज़्यादा नीलामी होने जा रही है। और दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है कौन से व्यक्ति का जब्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें ये जितने भी गाड़ी है ये सभी के सभी दारू या शराब में जो पकड़ा गया गाड़ी होता है सब वही गाड़ी सब होता है थाने में। और ज़्यादातर अभी शराब बंद है और शराब के साथ ज़्यादातर बाइक पकड़ाती है और उस बाइक की नीलामी होती है। तो दोस्तों अगर आप भी नीलामी में भाग लेकर के खरीदना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपको सीतामढ़ी जिले में अभी नीलामी होने जा रही है, तो जितने भी थाने हैं उन सभी थाने में जाकर के आप घूम लिए, पता कीजिए कि कौन कौन सी गाड़ी नीलामी होने वाली है। सभी थाने में जाइए, आपको बहुत ही आसानी से बता देंगे कि यहाँ पे कौन सी गाड़ी नीलामी होने जा रही है। तो दोस्तों आपको थाने में जाना है, किसी भी पुलिस कर्मी से पूछना है कि सर नीलामी की गाड़ी खरीदना है। जैसे ही थाने में एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पर आपको बहुत से बाइक के देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जाइएगा और बस ये पूछिएगा कि नीलामी जो होगी ये कौन सी गाड़ी है, तो आपको बता देंगे कि हाँ ये गाड़ी नीलामी होने वाली है, ये गाड़ी नीलामी होने वाली है। तो दोस्तों आप थाने में जा जा करके घूम के पहले पता कर लीजिए, इसके बाद आप फॉर्म भरिए। वैसे नहीं भरिए, जब तक आप गाड़ी नहीं देखेंगे तब तक आप फॉर्म भरना उचित नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी थाने में गाड़ी है, तो सीतामढ़ी में देख सकते हैं मेजरगंज, इसके बाद परसौनी, सभी थाने में दोस्तों 2, 4, 10, 20 गाड़ियाँ रखी गई है नीलामी की। तो आप लोग जल्द से जल्द जाइए सीतामढ़ी के जितने भी थाने हैं उन सभी थाने में घूमिए। वैसे तो सबसे पहले आपका जो नज़दीकी थाना है उस थाने में जाकर के घूम लीजिए, वहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा गाड़ी आपको पसंद आता है, कौन सा गाड़ी आप लेना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पूरा हम पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों आप लोगों को ये जो आप देख रहे हैं नोटिस, इस नोटिस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से आप डाउनलोड करने के बाद आप जो भी गाड़ी की नीलामी होने जा रही है सीतामढ़ी में वो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ दोस्तों एक बात आपको और बता दें कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही किसी भी ज़िले की नीलामी का नोटिस जारी होती है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से वीडियो सबसे पहले देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। घंटी नहीं दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए नीलामी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।